नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, सुप्रभात। मित्रों, पिछले वीडियो में मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों का हाल बता चुका हूं। इस वीडियो में तुला राशि से मीन राशि वालों का हाल। तुला राशि, आज का दिन रचनात्मक कार्यों की अधिकता रहेगी। अचानक धन लाभ का योग है। आर्थिक दिशा में चल रहे प्रयास सार्थक होंगे। रोजी रोजगार, कारोबार, नौकरी आदि में स्थिति मजबूत रहेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिश्रम कुछ ज्यादा रहेगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास व साहसिक रवैया सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर देगा। आज अपने क्रोध, वाणी व व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखें। घर परिवार में भी आप आत्मसंयत रहें। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और मित्रों का सहयोग उन विचारों को क्रियान्वित करवाने में आपकी मदद करेगा। किसी राजनीतिक या रसूखदार व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है आज, जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए फायदेमंद रहेगी। धर्म कर्म में भी आज रुचि जागृत होगी। संभव है किसी धार्मिक स्थल में जाना हो। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 70। वृश्चिक राशि, आज के दिन आप ऊर्जाशील रहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन क्रोध की अधिकता रहेगी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। वाणी व व्यवहार पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। रोजी रोजगार, नौकरी, कारोबार में प्रगति होगी। अतिरिक्त कार्य का बोझ तो रहेगा, लेकिन आपका उत्साह सभी कार्यों को कर सकने में मददगार होगा। कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई यात्रा भी संभव है आज। घर परिवार में अपना व्यवहार संयमित रखें। कहा सुनी व विवादों से दूर रहें। भूमि, मकान, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। धार्मिक मामलों में भी रुचि लेंगे आज। सामाजिक सक्रियता भी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 70। धनु राशि, आज का दिन आप बेहद ऊर्जाशील रहेंगे। भाग दौड़ व व्यस्तता में दिन बीतेगा। नए लोगों से संबंध बनेंगे। पुराने मित्रों का संग साथ रहेगा और उनके साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है। आज कुटुंब सुख में थोड़ी कमी नजर आ रही है। वाद विवाद व कलह की स्थिति संभव है, इसलिए अपने व्यवहार को संयमित रखें। कार्य क्षेत्र सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। परिश्रम की अधिकता रहेगी, लेकिन प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा। आज आपके आर्थिक दिशा में किए जा रहे प्रयास सार्थक होंगे, लेकिन धन खर्च में अधिकता होने से आर्थिक कठिनाई भी आ सकती है। आज का दिन धार्मिक गतिविधियों के लिहाज से भी बेहतर है। आज आप अपनी सेहत के बारे में थोड़े जागरूक रहें, ध्यान रखें। वाहन आदि ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक चलाएं। दाम्पत्य जीवन में आज कहा सुनी और तकरार संभव है। वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें। बुद्धि विवेक से काम लें। शुभता का प्रतिशत है 65। मकर राशि, दिन के पूर्वार्ध में तो थोड़ा मानसिक असंतोष रहेगा, लेकिन दिन का उत्तरार्ध आर्थिक सफलता दिला सकता है। मित्रों का संग साथ खुशी के साथ साथ सहयोग भी प्रदान करेगा। आज क्रोध व आवेश की थोड़ी अधिकता रहेगी। वाणी व व्यवहार के प्रति सचेत रहेंगे तो सभी कार्य बनते चले जाएंगे। घर परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। आपको सम्मान भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में धैर्य बनाए रखें। बुद्धि विवेक से काम लें। शुभता का प्रतिशत है 65। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए दिन मिला जुला रहेगा। घर परिवार में जिम्मेदारी बढ़ेगी। घरेलू समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर बहुत शानदार दिन है। कार्य क्षेत्र के विस्तार के योग हैं। रोजी रोजगार, व्यापार, नौकरी आदि में आपके सभी प्रयत्न सफल होंगे। आज आप ऊर्जाशील भी रहेंगे और भावनात्मक रूप से मजबूत भी। घर, मकान, वाहन आदि के सुख में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी वाद विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन यदि आप बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। सेहत के प्रति आज थोड़ा सा आप सतर्क रहें। शुभता का प्रतिशत है 70। और मित्रों, अंत में बात मीन राशि की। आज आशा निराशा का मिला जुला प्रभाव रहेगा। दिन के उत्तरार्ध में आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। पिछले कुछ दिनों की निराशा छट जाएगी और आप ऊर्जाशील होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ने लगेंगे। आज आपका कार्य क्षेत्र प्रबल रहेगा। लोगों का सहयोग मिलेगा। अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी। तरक्की के योग भी हैं।
बेवजह की योजनाओं को दरकिनार करके अपने कार्य पर मन लगाएं, सावधानी पूर्वक अपने कार्य करें। आर्थिक लेन देन में आज आप थोड़ी सावधानी रखें तो बेहतर होगा। यात्रा के योग भी बनते हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, खुशहाल रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 75। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।